वेलकम एवरीवन टू नाइटमेयर फ्यूल। मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। व्हाट इज नाइटमेयर फ्यूल? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई भी ऐसी पिक्चर, वीडियो या कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको देख के तुम्हें रात को बुरे सपने आ सकते हैं, दैट इज अ नाइटमेयर फ्यूल। कोई भी चीज जो तुम्हें डरावनी लग सकती है और रात को जिसकी वजह से तुम्हें बुरे सपने आ सकते हैं, दैट इज नाइटमेयर फ्यूल। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ वीडियोस, पिक्चर्स और स्टोरीज को डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे लिए नाइटमेयर फ्यूल का काम कर सकती है। एंड दिस वीडियो इज गोना बी फन। लेट्स बिगिन। सलीना इज अ टिकटॉकर जिसको एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसका नाम है स्लीप वॉकिंग। सलीना रात को काफी बार स्लीप वॉकिंग करती है और इसी वजह से सलीना और सलीना के घर वालों ने अपने घर के अंदर कैमराज इंस्टॉल कर रखे थे घर के अंदर, जिससे वो पूरी रात की रिकॉर्डिंग देख सके और एक्चुअली जान सके कि सलीना ने स्लीप वॉकिंग में रात को क्या क्या करा है। I'm a sleepwalker. I've always been a sleepwalker and I sleepwalk along with my next turn. So we have security cameras outside and this is how my night has gone. No! Oh, nice! It has the spices on the top, and it. Yeah. You first. Oh. I don't want it. तो सलीना ने अपनी स्लीप वॉकिंग की कुछ क्लिप्स टिकटॉक पे डालनी शुरू करी और सबने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एंजॉय करा उन क्लिप्स को। वो क्लिप्स काफी ज्यादा फनी थी और लोग काफी ज्यादा उन क्लिप्स को एंजॉय करते थे, हंसते थे और शेयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे सलीना जो क्लिप्स डालती थी वो क्रीपी होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे उनमें एक क्रीपी एलिमेंट आने लगा। सलीना रात को थोड़ी डरावनी हरकतें और थोड़ी क्रीपी हरकतें करने लग गई और उन रिकॉर्डिंग्स को वो टिकटॉक पे डालने लग गई और उनमें से कुछ क्लिप्स तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी, तुम खुद देख सकते हो। आई नो, वेरी क्रीपी। नाउ लिसन टू मी, एडल्ट्स में स्लीप वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और जिन लोगों के अंदर ये बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, जो रात को स्लीप वॉकिंग करते हैं, वो जब नींद से उठते हैं तो उनको बॉडी में एक अलग ही फटीग फील होता है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली रात को उन्हें रेस्ट नहीं मिला क्योंकि वो पूरे टाइम स्लीप वॉकिंग कर रहे थे और काफ़ी बार नींद से उठ के उन्हें दिखता है कि उनके हाथ और पैरों पर काफ़ी सारे चोटों के निशान हैं। वो इसलिए क्योंकि रात को स्लीप वॉकिंग में वो उनके पास इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती और वो अपने आप को इंजर कर रहे होते हैं इधर उधर गिर के या किसी चीज़ से टकरा के। तो जो लोग रात को स्लीप वॉकिंग करते हैं वो कई बार नोटिस करते हैं कि उनके हाथ पैरों पे काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने गए हो और सुबह उठते हो और चेक करते हो तो तुम्हारे हाथ पैरों पे चोटों के निशान है और तुम भी टायर्ड फील कर रहे हो? माइट बी पॉसिबल कि तुम भी रात को स्लीप वॉकिंग करते हो। तुम रात को स्लीप वॉकिंग करते हो और तुम्हें शायद इस बारे में पता भी नहीं है। नाउ इमेजिन कि जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो भी स्लीप वॉकिंग करते हो। जब तुम रात को सो रहे हो वो तुम्हारे आसपास ही घूमते हो और कुछ अलग अलग चीजें करते हो और तुम्हें पता भी ना हो। ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी हो सकती है। सेकेंड नंबर पे जो क्लिप है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा शेयर करा जा रहा था इस क्लिप को और ये क्लिप पता नहीं किसने बनाई है। आई हैव नो आइडिया कहाँ से आई है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि ये क्लिप किसने बनाई है और ये कहाँ से आई है, बट ये बहुत ज़्यादा क्रीपी क्लिप है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, तुम खुद ही देख सकते हो।
मेरे हिसाब से ये क्लिप बहुत अच्छा काम कर सकती है नाइटमेयर फ्यूल का। तीसरे नंबर पे एक स्टोरी है जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्यों स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ गर्ल जो आराम से पार्क में खेल रही थी। पार्क में एक पेड़ था और वो जाके उस पेड़ की बार्क को छील रही थी। आउट ऑफ नोवेयर उस लड़की के पास एक इंसान आता है। उस इंसान का फेस एकदम वाइट होता है और उसकी आंखें एकदम लाल और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा बड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है। उसका फेस ओवरऑल ही बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। वो लड़की के पास आता है और बोलता है कि जैसे तुम इस पेड़ की बाग को पील कर रहे हो वैसे ही अगर मैं तुम्हारी स्किन को पील करूं तो व्हाट इफ आई पील योर स्किन लाइक दैट। ये डायलॉग जैसे ही वो बोलता है उस बच्ची की फ्रेंड की मॉम जल्दी से बच्ची को बुला लेती है और वो जो आदमी आया था जो स्ट्रेंजर आया था वो गायब हो जाता है। थोड़े ही टाइम बाद वो लड़की अपनी मॉम को इस इंसान के बारे में बताती है और मॉम पुलिस को रिपोर्ट करा देती है। रिपोर्ट कराते ही पुलिस आती है और उस स्ट्रेंजर को पकड़ लेती है और अरेस्ट कर लेती है। बाद में पता चलता है कि उसी एरिया में उसी इंसान की एक वैन खड़ी थी जिसके शीशे पूरी तरीके से प्लास्टर्ड थे। ना कोई वैन के अंदर देख सकता था ना कोई वैन के अंदर से बाहर देख सकता था। और जब वैन को खोला गया तो अंदर जो चीज मिली वो तो नाइटमेयर ही है। वैन के खोले जाने पे अंदर एक चेयर रखी थी जिसके साथ रिस्ट्रेंट्स थे जिससे किसी को भी बांधा जा सकता है और उस चेयर के चारों तरफ टॉर्चर वेपन्स लगे हुए थे और साथ में एक एनाटॉमी बुक भी थी। वो बच्ची उस स्ट्रेंजर की नेक्स्ट विक्टिम थी। और नेक्स्ट विक्टिम से मेरा मतलब है पता नहीं उस बच्ची से पहले कितने सारे लोग ऐसे गायब हुए होंगे और उनके साथ पता ही नहीं क्या हुआ होगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आता है तो जरूरी नहीं है कि तुम उससे बात करो। हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता है। कोई भी स्ट्रेंजर कैसा भी निकल सकता है कभी भी। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आए तो ध्यान रखना। ओके, तो जो नेक्स्ट क्लिप है वो भी टिकटॉक से है और इस क्लिप के अंदर तुम्हें एक यूट्यूबर भी देख सकता है। हो सकता है तुम इस यूट्यूबर को जानते भी हो। बहुत ध्यान लगा के इस क्लिप को देखना और बहुत ध्यान से सुनना। I'm sorry अगर तुम डर गए हो तो। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है जो की, जो मैनहट्टन में रहता है। ये स्टोरी ज्यादा पुरानी नहीं है और जो काफी टाइम से मैनहट्टन में ही रह रहा था और वहीं पे काम कर रहा था। जो ने अपने लिए एक अपार्टमेंट ले रखा था मैनहट्टन में। जो अपार्टमेंट में एकदम अकेला रहता था। जो उस अपार्टमेंट में काफी टाइम से रह रहा था लेकिन उसने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करा कि उसके किचन के अंदर से सामान गायब हो रहा था। वो जब भी ग्रोसरीज वगैरह लाता था, जब भी कुछ सामान लाता था, वो किचन से गायब होना शुरू हो रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सारा सामान कहाँ जा रहा है क्योंकि वो अकेला रहता था। तो जस्ट टू चेक उसने अपने किचन में एक नाइट विजन के साथ कैमरा इंस्टॉल कर दिया, जस्ट टू चेक कि कोई जानवर तो नहीं है, कोई बिल्ली वगैरह आके तो खाना नहीं चुरा रही। और जो उसे मिला वो तो बहुत ही क्रीपी था, बिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जो जो को फुटेज में दिखा उसको देख के जो की हालत खराब हो गई थी। जो को देखता है कि एक लड़की जो वेंट एरिया है किचन का उसके अंदर से निकलती है उसके किचन में रात को, जब जो अपने रूम में सो रहा होता है, वो चुपचाप उतरती है कम से कम शोर मचाते हुए, धीरे धीरे स्टूल भी खिसकाती है अगर उसे उतरना होता है तो, धीरे से उतरती है, जो का फ्रिज खोलती है एंड स्टार्ट्स ईटिंग। वो कुछ भी निकाल के खाना शुरू कर देती है, दूध को वो डायरेक्टली खोल के पीना शुरू कर देती है और बाद में आराम से बैठ के बाकी चीज़ें भी चेक करती है। वो बीच में टीवी भी देखती है, फिर वो वापस खाना खाने चल जाती है और जब वो खा ही रही होती है उसे आवाज़ आती है कि जो अपने बेडरूम से उठ गया और वो किचन की तरफ ही आ रहा है। पैनिक में वो सारा सामान साइड में करती है, वापस रखती है और भाग के साइड में छुप जाती है। जो किचन में आता है वो दोबारा से खाना वगैरह देखता है, खाता है और वापस जाता है। और इस पूरे टाइम वो लड़की साइड में छुपी हुई थी और जो को कोई आइडिया नहीं था। जो के जाने के बाद वो लड़की वापस निकलती है बाहर, वापस से थोड़ा खाना खाती है और चुपचाप जाके उस वेंट में घुस जाती है। जब सुबह उठ के जो ने वो फुटेज देखी, जो की हालत खराब हो गई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल करा। पुलिस के आने पे उस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। और नहीं, वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो लड़की कोई रैंडम स्ट्रेंजर थी जो पता नहीं कितने टाइम से उसके किचन के वेंट के अंदर रह रही थी। तो अगली बार तुम जब किचन में जाओगे रात को उठ के, ध्यान से जाना, बिकॉज यू नेवर नो कि जब तुम कुछ खाना ले रहे हो या पानी ले रहे हो तो सिलेंडर के पीछे कोई हो सकता है या फ्रिज के साइड में कोई हो सकता है, ध्यान रखना। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी है बेंजामिन बेनेट की। बेंजामिन बेनेट इज अ यूट्यूबर
जिसका कंटेंट इज जस्ट सिटिंग एंड स्माइलिंग। उसकी वीडियोस का टाइटल भी काफी बार यही रहता है, सिट एंड स्माइल। और ये बेंजामिन की एक आर्ट फॉर्म की तरह है। बेंजामिन बहुत स्ट्रिक्टली इसे एक आर्ट की तरह कंसिडर करता है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बेंजामिन के चैनल पे काफी सारी वीडियोस है जिसके अंदर वो घंटों घंटों बस बैठा हुआ है और कैमरा की तरफ देख के स्माइल कर रहा है, और बीच में वो एक भी बार कैरेक्टर को ब्रेक नहीं करता है। आई विश इतनी डेडिकेशन मेरी होती है अपने चैनल की तरफ। बेंजामिन ने ऐसी बहुत सारी क्लिप्स बनाई हुई है। बेंजामिन एक दिन ऐसी अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ एक दो घंटे बीत गए होंगे कि बेंजामिन बस बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा है, लेकिन बैठे बैठे उसे नीचे वाले फ्लोर से अपने घर की आवाज आती है कि कोई घर में घुसा है। बट वो अपनी वीडियो की तरफ इतना डेडिकेटेड होता है कि वो बीच में कैरेक्टर ब्रेक नहीं करता, वो वहीं बैठा रहता है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो जो इंसान घर के अंदर घुसा है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। बेंजामिन ने किसी को इनवाइट नहीं करा था, उसने किसी को नहीं बुलाया था, वो एक चोर था। उस चोर ने उस घर के अंदर ब्रेक इन करा था और वो धीरे धीरे ऊपर बेंजामिन के रूम में आ रहा था, और बेंजामिन इतना ज्यादा डेडिकेटेड था अपनी वीडियो की तरफ कि वो हिला नहीं। चोर ऊपर आता है और बेंजामिन का डोर खोलता है, एंड ही सीज बेंजामिन जस्ट सिटिंग देयर एंड स्माइलिंग, और बेंजामिन हिलता नहीं है। जब वो चोर रूम का दरवाजा खोलता है तो तुम देख सकते हो कि बेंजामिन के फेस पे कुछ हल्के से एक्सप्रेशन आते हैं, बट वो स्माइल को ब्रेक नहीं करता है। चोर आके पूछता है, हेलो, उसको जब कोई रिएक्शन नहीं मिलता वो दरवाजा बंद करता है और भाग जाता है घर से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं भी ये चोर की जगह होता और मैं घुसता और मैं देखता कि एक इंसान बस बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा है और कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, मेरी हालत खराब हो जाती, मैं भी बहुत तेज भागता। उसके भाग जाने के बाद बेंजामिन ने पुलिस को भी रिपोर्ट करा, और ये जो क्लिप है, जो पूरी रिकॉर्डिंग थी, वो बेंजामिन ने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। तुम जाके खुद सर्च करके देख सकते हो। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज बेंजामिन के लिए ज्यादा क्रीपी रही होगी या फिर चोर के लिए, या फिर ये फैक्ट ज्यादा क्रीपी है कि लोग ऐसी चीजों को आर्ट फॉर्म समझते हैं, जस्ट सिटिंग एंड स्माइलिंग। ओके, तो जो अब लास्ट स्टोरी है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये भी एक यूट्यूबर की स्टोरी है जिसका नाम था रबसी, और ये स्टोरी है अक्टूबर 2016 की। रबसी नॉर्मली लाइव स्ट्रीम कर रहा था और अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था, और लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट हुए कुछ 32 मिनट्स ही हुए होंगे और रबसी को अपने पीछे का दरवाजा जोर से बजता हुआ सुनता है। But yeah, that was a tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रबसी पूरे घर में अकेला था, उसने किसी को इनवाइट नहीं करा हुआ था और घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो जब डोर स्लैम होता है तो खाली रबसी नहीं, ऑडियंस जो बैठ के लाइव देख रही होती है वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो भी देखती है कि घर में तो कोई नहीं था, तो ये दरवाजा स्लैम किसने करा। दरवाजा स्लैम होने के कुछ सेकंड के बाद ही साइड में हॉल की लाइट भी ऑन हो जाती है खुद ब खुद। रबसी बहुत ज्यादा शॉक में होता है, वो उठ के जाके चेक करता है कि कोई है तो नहीं। वो जाता है, चेक करता है, एंड उसे कोई भी नहीं मिलता। वो दरवाजा खुद ब खुद बजा और वो फिर साइड में हॉल में जाके लाइट भी ऑफ कर देता है। दरवाजा चेक करके और लाइट ऑफ करके वो वापस स्ट्रीम की तरफ आ रहा होता है कि हॉल की लाइट वापस ऑन हो जाती है, बट वो उस चीज को नोटिस नहीं करता और चुपचाप आके लाइव स्ट्रीम पे बैठ जाता है। फिर से स्ट्रीम को थोड़ी देर हो जाती है और रबसी के जस्ट पीछे एक टेबल होती है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा होता है। वो बॉक्स हल्का सा मूव करता है, रबसी का ध्यान एकदम से पीछे जाता है, बॉक्स बाउंस कर जाता है टेबल से। खुद ब खुद वहां पे कोई जानवर नहीं है, वहां पे कोई पालतू जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, हवा भी नहीं चल रही, एंड वो बॉक्स खुद ब खुद बाउंस कर जाता है टेबल से। वो देख के रबसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखने के बाद रबसी फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि चल क्या रहा है। फिगर आउट करते करते कुछ 2 घंटे बीत जाते हैं और वो वापस से स्ट्रीम पे आ जाता है क्योंकि उसे कुछ आंसर्स नहीं मिलते। स्ट्रीम पे जैसे ही वो बैठता है, पीछे वाला दरवाजा जो पहले बजा था वो बहुत जोर जोर से बार बार बजने लगता है। अब तुम खुद देख सकते हो। Is he punching the door? I hope to God he is. I think he's just ticked off. We're about to find out in a few seconds. No, okay. What the fuck?
And so I was just gonna chill here over the night. He was cool with it. He set me up for the Wi-Fi thing. And then the ghost is like, knock, knock, motherfucker, we're still here up in this bitch. वो दोबारा उठता है और चेक करता है और उससे दिखता है कि कोई भी नहीं है वहां पे। इतना सब कुछ होने के बाद रब्सी को याद आता है, ओके, मैं घर से बाहर भी तो निकल सकता हूँ। वो अपना सारा सामान पैक वैक करता है और घर से निकलते टाइम वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और जाते जाते उसको कुछ ऐसा दिखता है और कुछ वो ऐसा रिकॉर्ड करता है जो काइंड ऑफ अनबिलीवेबल है, लेकिन इट्स वेरी क्रीपी जब तुम उस क्लिप को देखते हो। वो जब बाहर निकल रहा होता है उसके सामने ही एक चेयर खुद ब खुद मूव कर जाती है। रब्सी इतना ज्यादा शॉक में होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। ही इज लाइक ओके एंड ही जस्ट गोज आउट, क्योंकि उसके पास कुछ रिएक्शन भी नहीं होता उस चेयर के मूव करने पे। और फिर रब्सी उस घर से निकल जाता है। फिर वो बाद में कहीं और से जाके अपडेट करता है अपने व्यूअर्स को कि वो घर से निकल चुका है। व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हुक्ड थे पूरे टाइम पे, और बाद में भी व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे रब्सी को कि वो वापस घर में जाए और फिगर आउट करे कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। व्यूअर्स डोंट गिव अ फक कि भाई रब्सी का क्या हाल है, वो सेफ रहेगा या नहीं। दे डोंट केयर, व्यूअर्स डोंट केयर, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब ये पूरा इंसिडेंट कितना रियल था कितना फेक था, आई हैव नो आइडिया। मेरे को तो काफ़ी रियल लग रहा था एंड देखा जाए तो ये काफ़ी क्रीपी था। तुम में से भी काफ़ी सारे लोग YouTube पे लाइव जाते हो, अपने Instagram पे लाइव जाते हो, तो जब भी जाओ तो मेक श्योर कि तुम्हें अपना पीछे का सब कुछ दिख रहा हो, बिकॉज यू नेवर नो तुम्हारे आसपास क्या घूम रहा हो। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा। इस वीडियो के अंदर सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स एपिडेमिक साउंड से हैं। नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसको यूज़ करके तुम एक 30-day फ्री ट्रायल ले सकते हो। भाई फ्री ऑफर है, यूज़ दैट लिंक। बहुत बहुत बढ़िया सर्विस है एपिडेमिक साउंड्स की, एंड आई डोंट थिंक कि एपिडेमिक साउंड से बढ़िया साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें और कहीं मिल सकता है। एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है कि मैं अपनी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बना रहा हूँ। अगर तुम उस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट डालूंगा, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करूंगा, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको खोल के तुम चेकआउट कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक ली है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इन्जॉय करी है, काफ़ी अनरिलीज्ड कंटेंट देखा हुआ है मेरा। तो अगर तुम भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो तुम उस लिंक को क्लिक कर सकते हो। एंड गाइज, नेक्स्ट वीडियो एक म्यूजिक वीडियो होने वाली है। आई रियली डोंट नो तुम्हें कैसी लगेगी, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा उस पर। ठीक है, विल बी रिलीजिंग इट सून, बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ मैं। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया। अगर वीडियो में मज़ा आया तो नीचे लाइक ज़रूर करो यार, लाइक दो वीडियो में, वो पता चल जाएगा तुम्हें पसंद आया नहीं। और बहुत सारे लाइक्स होंगे तो मैं इसका एपिसोड 2 जरूर बनाऊंगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।